मजनू, अगर हमने ठीक से पढ़ाई की होती तो आज हॉस्पिटल का बोर्ड ठीक करना नहीं पड़ता, किसी कंपनी के मालिक होते। भाई, अगर आपको मियाँ खलीफा और आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के बीच में चूज करना पड़ता तो आप क्या करते? मियाँ खलीफा। हाँ, तो वो नट बोल्ट लगाओ अभी। मेरी किस्मत में बर्बादी, बाप ने इंजीनियरिंग करवा दी, डॉक्टर लेंगे पांच पांच गाड़ी, हम सो जाते पी के ताड़ी। अरे भाई, ये क्या किया? साला ये पुलिस वाला तो गया काम से, वो देख दूसरे पुलिस वाले भी आ गए, भाग ऐसे भाग। वाह, क्या सिस्टर है भाई, आपकी बहन है वो? चल यहाँ से, सिस्टर को बहन बोलता है भोपाली का। भाई अभी क्या करे, मेरे को बहुत डर लग रहा है। एक काम करे, डॉक्टर के कपड़े पहन ले जल्दी से, कोई नहीं पहचानेगा। हाँ भाई। डॉक्टर एक इमरजेंसी केस है, आपको जल्दी आना पड़ेगा। अरे जल्दी चलो जल्दी। मजनू यहाँ से निकलना पड़ेगा अपने को। साले ये भोपाली के पुलिस वाले तो बाहर ही खड़े। भाई अब क्या करे? अभी क्या, ये ऑपरेशन करना पड़ेगा अपन को। सामान लाया है ना? हाँ भाई, ये देखो। तो चलो। ये रहा सर पेशेंट, बहुत खराब हालत है इसकी। भाई ये तो डॉक्टरों का काम है, हम कैसे करेंगे? अबे कैसे कैसे नहीं कर सकते, कॉलेज में लगातार 4 साल बिना काटे झटके बाल एक इंजीनियर जितना चमत्कार कर सकता है ना, उतना पोगो के पावर रेंजर्स भी नहीं कर सकते। सुबह सुबह आने वाले टट्टी का प्रेशर छोड़ के कॉम्प्रेसर से निकलने वाली हवा का प्रेशर निकाला है हमने। अबे जो आदमी 5-5 पन्नों के डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लौड़ालेशन निकाल सकता है, वो एक किडनी स्टोन नहीं निकाल सकता। नहीं क्या होती क्या ये डॉक्टरी? ये छोटा सा चाकू लेके पेट के अंदर खुचुम खुचुम कर दो, हो गया, लौड़े लग गए पेशेंट के। अबे बुलेट के इंजन में स्कूटर का इंजन फिट करके काम चलाते हैं हम इंजीनियर, ये तो फिर भी हार्ड मांस का इंसान है, ठीक कैसे नहीं होगा? क्या हुआ इसको? सर वो कुछ चूते हमारे हॉस्पिटल का बोर्ड रिपेयर कर रहे थे, उनके हाथ से हथौड़ा छूटा और इसके सर पे गिरा, इसको चक्कर आया और रोड के बीच में गया और गाड़ी ने ठोक दिया इसको। भाई साला मजनू ये तो अपना ही शिकार है। सर ये ठीक तो होगा ना? अब हाँ हाँ होगा ना, क्यों नहीं, एक्सीडेंट तो हुआ है ना। कल मेरी होंडा सिटी का भी एक्सीडेंट हुआ था, मारुति 800 का बम्पर लगा के ठीक करवाया था। ये छछुंदर क्या चीज है? मजनू बम्पर निकाल। हाँ भाई। अरे सर बम्पर गाड़ी में लगता है, ये इंसान है। चल बे चल, बाप को मत सिखा। भाई इसका तो बहुत खून बह रहा है। हाँ एक काम कर, नीचे ऑयल का बाल्टी लगा और एमसील निकाल, अभी लीकेज बंद कर देता हूँ। ये लो भाई। ये क्या चल रहा है? ये एमसील से मेरा संडास का लीकेज बंद होगा, ये चिलबुजे का लीकेज क्या है? सर वो देखो उसकी पैर की हड्डी भी टूट चुकी है। अरे रे वेल्डिंग करना पड़ेगा। मजनू गन निकाल। ये लो भाई। अबे वेल्डिंग वाला गन निकाल और वो गॉगल दे मेरा काला वाला। ये लो भाई। अरे सर ये गैरेज नहीं आईसीयू है। इसको चुप करवा पहले। हाँ हो गया, अब ये लोहे का पैर कभी नहीं टूटेगा। सर वो देखो वो सांस नहीं ले पा रहा। हाँ तो गले में चौकअप हुआ होगा, दिल में छेद करना पड़ेगा और कॉम्प्रेसर से हवा भरना पड़ेगा। मजनू ड्रिल मशीन निकाल। ये लो भाई। हे माँ, माता जी। दया। हाँ दया करो पेशेंट पे, थोड़ा दया करो। ये क्या कर रहे हो आप लोग? मजनू इसके मुंह पे एमसील मार। हे चुप, शांत बैठो। भाई ये क्या किया, आपको छेद बनाना था, आपने तो दिल में गड्ढा खोद दिया। हाँ तो थोड़ा 19-20 चलता है ना। लेकिन भाई ये 19-20 नहीं 19-50 हो गया। इसका दिल काम कैसे करेगा अभी? हाँ तो इसके दिल में एक स्पार्क प्लग लगा देते हैं, जिसका कनेक्शन नुन्नू में जाएगा, रोज उठ के नुन्नू हिलाएगा तो दिल स्टार्ट हो जाएगा। A few moments later. वाह भाई आप तो जीनियस हो। हाँ उसका नुन्नू हिला अभी। हाँ भाई। यस ऑपरेशन सक्सेसफुल। डॉक्टर साहब आ गए, कैसा है मेरा बच्चा, ठीक तो है ना? अरे आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपका बेटा एकदम लोहे जैसा ठीक है। ए लिपस्टिक की दुकान, पेशेंट ले गया। हाँ सर। अरे माँ जी आपके बेटे को कभी कुछ नहीं होगा, आयरन मैन बन गया है वो, उल्टा लोगों की मदद करेगा। नर्स नेक्स्ट पेशेंट। यस सर, ये देखो हैमर से काम कर रहा था, बिजली का झटका लग गया इसको और वो हैमर भी उसके हाथ में चिपक गया। अरे कोई बात नहीं, बिजली को बिजली ही काट सकती है। मजनू वो 4000 वोल्ट का जनरेटर निकाल, अभी ठीक कर देता हूँ। सो हे गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ठोको, नए हो तो सब्सक्राइब ठोको। मैं आपको फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।